प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं हूं आचार्य रत्नेश और अपने इस चैनल पाइप फिटर ट्रेनिंग में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा कार्यक्रम पाइप कट लेंथ पे है। आज हम जानेंगे कि पाइप का कट लेंथ कैसे निकाला जाता है, इसकी उपयोगिता क्या है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है। मित्रों, कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, जो कि हमेशा करता रहता हूँ, कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करके उनकी मदद करें जो पाइप फिटर का कोर्स करना चाहते हैं, जो पाइप फिटर का काम सीखकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो मित्रों, आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं कि पाइप कट लेंथ पे। मित्रों, पाइप कट लेंथ क्या है? पाइप कट लेंथ जब हम फैब्रिकेशन करते हैं या इरेक्शन करते हैं तो उसमें हमें करेक्ट पाइप को काट करके और फैब्रिकेशन करना होता है। जैसे पाइप के दोनों तरफ कोई फिटिंग होगा तो हम कितना करेक्ट लेंथ काटें कि वो हमारा करेक्ट फिटिंग में बैठ जाए, उसको हम पाइप कट लेंथ कहते हैं। ड्राइंग में लेंथ दिया जाता है और करेक्ट काट करके हमें जो है उसमें लगाना होता है। इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पे है? तो सबसे पहले जब आप फैब्रिकेशन करते हैं उसमें इसकी उपयोगिता पड़ती है। दूसरी, जब आप इरेक्शन करते हैं तो वहाँ पर भी पाइप कट लेंथ की आवश्यकता होती है। और तीसरी और सबसे अहम बात कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो कहीं कहीं क्लाइंट पूछ देते हैं कि कट लेंथ कैसे निकाला जाता है, और कट लेंथ निकालवा करके आपको चेक करते हैं कि आप कट लेंथ निकालने के लिए जानते हैं या नहीं जानते हैं। इन बातों को क्लाइंट विशेष ध्यान रखता है। तो मित्रों, आज हम जानते हैं कि पाइप का कट लेंथ। पहले के ड्राइंग और आज के ड्राइंग में काफ़ी अंतर हो चुका है। पहले के आइसोमेट्रिक में सीधा जैसे ये लेंथ दे दिया गया है ऐसे ही दे दिया जाता था, और पाइप फिटर पाइप फैब्रिकेटर को यह कट लेंथ निकाल करके फैब्रिकेशन या इरेक्शन करना होता था। लेकिन आजकल के जो इंजीनियरिंग है आइसोमेट्रिक को एकदम आसान से आसान करती जा रही है ताकि कहीं कोई मिस्टेक का गुंजाइश ना हो। जैसे इस ड्राइंग में हम देखेंगे कि यहाँ का ये लेंथ दे दिया गया है, लेकिन किसी किसी ड्राइंग में ये कट लेंथ जो है ऑलरेडी इसमें दिया गया होता है। जैसे कि हम दूसरी ड्राइंग को दिखाएंगे तो इसमें जो है ये ड्राइंग में ये लेंथ निकाल करके दे दिया गया है, और यहाँ पे जैसे ये त्रिभुज आप देख रहे हैं इसमें कुछ नंबर दे दिया जाता है ताकि वो उतने कट नंबर का हम कटबैक देख सकें कि इस पाइप का कितना कट लेंथ है। जैसे किया क्या जाता है, जैसे ये त्रिभुज जो है ना ऐसे बना करके और उसमें कुछ नंबर दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है इसमें 44 नंबर लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि 44 नंबर के कटबैक में हम देखेंगे तो वो दिखाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो 44 है या 45 है, ये 44, 45, 46 करके ऐसे बना करके दिया गया है, और इसके आगे ये कट लेंथ दिया गया है, तो हमें ये कन्फर्म हो जाता है कि ये कट लेंथ कितना आएगा। या कि कोई कोई ड्राइंग में ऐसा होता है कि कट लेंथ सीधा सीधा यहीं पे दे दिया जाता है कि कितना, ये पहले पूरी पाइप की लेंथ दी जाती है उसके बाद ये कट लेंथ दिया जाता है इसमें, जैसे हम दूसरे ड्राइंग में आपको दिखाएंगे। और भी बहुत सारे ड्राइंग जो है इजी कर दिया गया है, अपनी अपनी इंजीनियरिंग का अपना अपना काम होता है। आइए अब हम समझते हैं कि कट लेंथ कैसे निकालते हैं। कट लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमें पाइप का साइज़ देखना होता है। जैसे अब इस पूरे लाइन का हमें कट लेंथ निकालना है तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि पाइप की साइज कितनी है। जब पाइप की साइज हमें पता हो जाता है कि यह कितने इंच का पाइप है, 1 इंच का पाइप है, 2 इंच का पाइप है, 4 इंच का पाइप है, या कितने इंच का पाइप है, वह हमें सबसे पहले पता करना होता है। तो इसको पता करने के लिए प्रारंभ में ही दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे ये लिखा गया है 4 इंच NS करके, यानी कि ये पाइप 4 इंच का है। ऐसे ही अलग अलग ड्राइंग में यहाँ पे या कहीं पे भी लिखा रहेगा कि यह
कितने इंच का पाइप है। दूसरे नंबर में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी NS करके दिखाया जाता है, NS नॉमिनल बोर, NB या अन्य तरीके से भी लिखा जाता है। तो जब हम उसको पढ़ाएंगे NS NB पाइप साइज़ जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम विशेष करके आप लोगों को बताएंगे कि NB क्या है, NS क्या है या और सारी चीज़ें क्या है उसमें, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो मुख्य रूप से आप यहां से जान सकते हैं कि पाइप जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है तो लाइन के सामने लिखा रहेगा कहीं ना कहीं पे, यहाँ पे स्टार्टिंग में, अंत में या फिर जहाँ से पाइप कोऑर्डिनेशन लिखा रहता है वहाँ पे भी लिखा रहता है। किसी किसी ड्राइंग में या स्पूल जो स्पूल नंबर लिखा जाता है उसमें भी पाइप का साइज लिखा रहता है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना होता है पाइप का साइज। जब पाइप का साइज पता हो जाता है तब हमें देखना होता है कि कहाँ से कहाँ तक का लेंथ हमें निकालना है। जैसे इसमें आप देखें तो ये एल्बो सेंटर से ये एल्बो सेंटर का लेंथ हमें निकालना है, यानी कि इसका जो लेंथ निकालना है हमें ये एल्बो सेंटर से ये एल्बो सेंटर तक निकालना होता है। लेकिन वहीं पे आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक एल्बो सेंटर से ये टी सेंटर तक का लेंथ हमें निकालना है। जैसे यहाँ पे ये दिया गया है तो ये एल्बो सेंटर से ये टी सेंटर, जैसे ये टी दिया गया है ये टी सेंटर तक निकालना होता है। तो जब हम मटेरियल की पहचान बताएंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग में ही, तब हम उसमें बताएंगे कि कौन सी फिटिंग कहाँ पे क्या क्या लगी हुई है, तो उसमें आपको विस्तृत हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल आज का हमारा जो कार्यक्रम है वह कट लेंथ निकालने का है। तो इसमें जो है हम बताएंगे कि कट लेंथ कैसे निकालते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई कि पाइप साइज और कहाँ से कहाँ तक निकालना है। बहुत सारे ड्राइंग में यह ध्यान में देना होता है कि जैसे स्टार्ट कहीं और से होता है और आपको कट लेंथ कहीं और से निकालना होता है, तो उसमें दिया रहता है। जब ये साइड वाली लाइन आप देखेंगे ऐसे जो एरो बना करके, ये जो बना करके दिया हुआ है, ऐसे जो साइड में ये बना करके ये जो लाइन दिया गया है, तो ये विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक का पाइप कट लेंथ निकालना होता है। अब तीसरी चीज़ आती है कि पाइप फिटिंग। अब हमने ये देख लिया कि इस पूरे आइसोमेट्रिक में पाइप की साइज क्या है, दूसरा कहाँ से कहाँ तक हमें पाइप का कट लेंथ निकालना है, तीसरा पाइप फिटिंग क्या लगी हुई है। जैसे अगर ये लेंथ अभी हमें निकालना हो, इसमें से और यहाँ तक का अगर कट लेंथ निकालना हो तो हमें ये देखना होगा कि एक टी लगा हुआ है और एक एल्बो लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ में निकालना हो तो हमें पता देखना होगा कि इसमें दो एल्बो लगा हुआ है। अगर यहाँ से यहाँ हमें निकालना है, जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक फ्लांच लगा हुआ है और एक एल्बो लगा हुआ है। इस तीसरे नंबर में हम ये देखते हैं कि जहाँ से हमें दूरी निकालनी है, कट लेंथ निकालना है, उसमें कौन कौन सी फिटिंग लगी हुई है, यह महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इसी के अनुसार ही आप कट लेंथ निकाल पाएंगे। क्योंकि एल्बो का जो एल्बो सेंटर होता है वह अलग होता है, टी का टी सेंटर अलग होता है, ऐसे ही फ्लांच का जो डायमेंशन दिया जाता है वह अलग होता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पाइप की फिटिंग आप देखें कि उस लाइन में कौन कौन सी फिटिंग लगी हुई है जहाँ से जहाँ तक हमें कट लेंथ निकालना है। अब तीसरी चीज़ आती है, चौथी चीज़ आती है कि पाइप का सेंटर या फिटिंग का सेंटर। जैसे पाइप का सेंटर मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें ये पाइप का सेंटर दे दिया गया है, लेकिन ये जो एल्बो दिया गया है इसका सेंटर कितना होगा, ये जो एल्बो दिया गया है इसका सेंटर कितना होगा, या ये जो टी दिया गया है ये टी सेंटर कितना होगा, या फिर ये फ्लांच जो दिया गया है ये फ्लांच का सेंटर कितना होगा, यह महत्वपूर्ण रखता है। तो अब हम जानते हैं कि कैसे हम पाइप का कट लेंथ निकालते हैं। ये चार चीज़ें पे आप ध्यान देंगे तो आपको पता हो जाएगा कि पाइप का कट लेंथ निकालना एकदम आसान हो जाएगा। बहुत ही आसान है यह, पाइप का कट लेंथ कैसे निकालें यह बहुत ही आसान है अगर आप इन बातों को गौर करेंगे। सबसे पहले पाइप साइज, दूसरा कहाँ से कहाँ तक निकालना है, तीसरा उसमें कौन कौन सी फिटिंग लगी हुई है, और चौथा उस फिटिंग का सेंटर कितना है। तो ये महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देने योग्य है। जब हम फैब्रिकेशन पढ़ाएंगे तो उसमें हम एल्बो का सेंटर कैसे निकालते हैं बताएंगे, टी का सेंटर कैसे निकालते हैं ये बताएंगे, रेडिसर फ्लांच सारे चीज़ का सेंटर कैसे निकालते हैं यह हम बताएंगे। लेकिन मुख्य रूप से आप यहाँ पे अभी समझें कि एक इंच का एल्बो सेंटर जो होता है 90 डिग्री में, एल्बो सेंटर जो होता है वह 38.1 होता है, 38.1
एक होता है, एक इंच का एल्बो सेंटर 38.1 होता है 90 डिग्री में, लेकिन वहीं पे एक इंच का ही एल्बो सेंटर 45 डिग्री में 15.8 होता है या 15.8 होता है, इसको हम मान याद कर लेते हैं। आप लोग भी इसको रट लीजिए। मैक्सिमम 90 डिग्री का या 45 डिग्री का एल्बो दिया जाता है, जो विशेष लगाया जाता है, विशेष डिग्री का एल्बो लगाया जाता है, उसका अलग से हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप यह याद कर लीजिए आप लोग कि एक इंच का 90 डिग्री का एल्बो सेंटर 38.1 होता है और एक ही इंच का एल्बो सेंटर 45 डिग्री में 15.8 होता है, यह आप लोग याद कर लें। क्योंकि अगर मान लें जब ये साइज बदलता है तो ये चेंज होता जाता है, जैसे एक इंच का एल्बो सेंटर 38.1 है तो दो इंच का इसका दूना हो जाएगा, दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीन इंच का पाइप रहेगा तो तीन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जैसे 38 एक इंच का 38 है तो दो इंच का 76 mm हो जाएगा, 76.2 हो जाएगा, वहीं पर 45 डिग्री का 32 mm हो जाएगा दो इंच में, तो इस तरीके से ये चेंज हो। दूसरी वाली ड्राइंग को देखें, इसमें क्या है कि ये पूरा कट लेंथ दिया गया है कि ये पूरे पाइप का लेंथ दिया गया है ये एल्बो सेंटर से और यहाँ एंड तक का दिया गया है। अब इसका कट लेंथ यहाँ पे निकाल के दे दिया गया है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका कट लेंथ ऑलरेडी निकाल के दे दिया गया है। तो हमें कैसे पता करना है कि ये कैसे इतना ही आएगा, यह चीज़ें ही हमें जाननी है, या यूं कहें कि कट लेंथ कैसे निकालते हैं यही चीज़ें हमें जाननी है। जैसे यहाँ पे देखें इस ए एल्बो सेंटर से ए एल्बो सेंटर का पूरा लेंथ जो दिया गया है ये यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लेंथ दिया गया है, लेकिन इसका जो कट लेंथ निकाल करके यहाँ पे दिया गया, ये पाइप का जो कट लेंथ है यहाँ पे निकाल करके दिया गया है। ऐसे ही यहाँ से ए एल्बो सेंटर से ये फ्लांज के अंत तक का जो पाइप लेंथ है वह इतना है, लेकिन इसका कट लेंथ फैब्रिकेशन करते समय इतना ही हमें लगाना पड़ेगा। तो कैसे इतना आया है यह हम चेक करते हैं। जैसे देखें कि ये पूरे पाइप का जो लेंथ है ये एल्बो सेंटर से, जैसे यहाँ से ये लाइन खींच करके ये दिखाया गया है कि ये सेंटर से और इसके अंत तक, जैसे यहाँ पे जो लाइन खींची गई है तो इसके अंत तक ये इतना दिया गया है। तो सबसे पहले हम फैक्टर अपनाते हैं कि ये पाइप साइज कितनी है, तो पाइप साइज अगर यहाँ पे हमें फाइंड करना होता है तो यहाँ पे जैसे देखा यहाँ पे ये 4 NS लिखा गया, यानी कि 4 इंच की यह पाइपलाइन है, पूरी ये पाइपलाइन 4 इंच की है, या जहाँ चेंज भी होगी तो वहाँ पे लिख दिया जाएगा, ड्राइंग में मेंशन कर दिया जाता है, तो यहाँ पे 4 इंच की लाइन है। अब दूसरी फैक्टर हम अपनाते हैं कि इसमें कौन कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, तो यह मटेरियल जो है अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं कि ये यहाँ पे एक देख रहे हैं यहाँ एक बेल्डनिक फ्लांच लगा हुआ है जैसे ये सिंबल में दिखाया गया है और यहाँ पे एक एल्बो दिया गया है, तो ये चीज़ें हमें देखनी होती है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है ये तो हमें पता ही है, अब हमें जो चौथी चीज़ होती है कि इसका सेंटर कितना होता है यह हमें याद करना होता है। तो जैसे मैंने कि बताया कि एक इंच का एल्बो सेंटर जो है वह 38.1 होता है, यानी कि 38.1 होता है, तो चार इंच का कितना हो जाएगा, जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 mm हो जाएगा। तो अब इस पूरे लेंथ को जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है पहले से ही ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए जैसे हमने यहाँ पे लिख के रखा है 2 meter 995 mm, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 2 meter 995 mm। अब यहाँ से आप जो ये एरो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का ये जो एल्बो सेंटर है, अब देखें एल्बो में दो एल्बो सेंटर होता है, जैसे यहाँ से इधर एक अलग सेंटर हो गया और यहाँ से ये अलग सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ वाला इस पाइप में घटाया जाएगा और यहाँ से यहाँ वाला में सिर्फ ये घटाया जाएगा, यानी कि ये एल्बो सेंटर जो है सिर्फ इधर ही एक ही तरफ घटाया जाएगा, ठीक है। तो इसका एल्बो सेंटर 4 इंच का एल्बो सेंटर होता है 152 mm, और अब उसमें से जैसे हम यहाँ से पूरा ये हमने लिख लिया 2 meter 995 mm, अब उसमें से 152 mm ये mm हम माइनस कर देंगे जैसे यहाँ पे किया गया है, तो 2 meter 843 mm आ जाएगा, 2 meter 843 mm आ जाएगा,
यह तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया, लेकिन ये इसमें फ्लांच भी लगा हुआ है। तो 76 mm फ्लांच सेंटर होता है, जैसा कि इसमें ऑलरेडी ड्राइंग में यहाँ पे मेंशन किया गया है 76 mm। तो ये फ्लांच का सेंटर भी हम फिर माइनस करेंगे, जैसे कि यहाँ से हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2 m 767 mm, 2 m 767 mm आएगा, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हमें करेक्ट कितने मीटर का पाइप लगाना है, यानी कि 2 m 767 mm की पाइप हमें लगाएंगे। तो ये एल्बो सेंटर और ये फ्लांच के एंड तक परफेक्ट बैठेगा। इसमें भी कटिंग अलाउंस 3 mm रखना होता है। जब हम फिटिंग देते हैं तो उसमें गैप देते हैं, तो वो अलग की चीज़ें हैं, जब हम फैब्रिकेशन आपको बताएंगे तो उसमें बताएंगे। अब हम आते हैं कि इसका लेंथ निकालना है, तो इसके लेंथ में निकालना है कहाँ से कहाँ तक, कि ये एल्बो से ये एल्बो तक, ये हमें पता हो गया। दूसरी चीज़ कि यहाँ से यहाँ तक हो गया, और ये इसमें कितने मटेरियल लगे हुए हैं, तो इसमें 2 फ्लांच लगे हुए हैं, पाइप साइज आपको पता ही है 4 इंच का, और एल्बो सेंटर आपको पता ही है कि एक एल्बो सेंटर यहाँ हम घटाएंगे और एक एल्बो सेंटर हम यहाँ घटाएंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा हमने ये पाइप का लेंथ लिखा हुआ है 2 m 384 mm जो लिखा गया है, यहाँ का जो ये पाइप लेंथ है, तो वहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है, और इसका एक एल्बो सेंटर हम यहाँ पर घटा दिए हैं तो 2 m 232 mm आया हुआ है। फिर एक एल्बो सेंटर जो यहाँ से यहाँ तक का जो एल्बो सेंटर, उसको हम फिर दोबारा घटा दिए हैं तो 2 m 80 mm आ गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी दिखाया गया है 2 m 80 mm का करेक्ट पीस हमें काट करके फैब्रिकेशन करना होगा, या 2 m 80 mm का ही पीस हमें लगाना होगा। अब ऐसे ही ऊपर का हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक निकालना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो ये एरो बना के दिया गया है ना, जो ये यहाँ ये जो एरो दिया गया है, बस वहीं तक हमें निकालना होता है। ये बताता है, ये लाइन जो खींची गई है ड्राइंग में, ये बताता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक। अब दूसरी चीज़ कि इसमें फिटिंग कितने लगे हुए हैं, तो ये एक एल्बो लगा हुआ है, यानी कि एक एल्बो सेंटर हमें माइनस करना होगा। तीसरी चीज़ कि इस एल्बो का एल्बो सेंटर कितना है, तो उसके अनुसार हम इसको माइनस कर देंगे। जैसे पूरा लेंथ यहाँ पे दिया गया है 847 mm, और एक एल्बो सेंटर हम इसमें माइनस कर देंगे 152 mm, तो 695 mm आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है 695 mm का ये पूरा लेंथ लगाया गया है। ऐसे ही अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एल्बो हो, अगर हम फिटिंग की बात करें, यहाँ पे 90 डिग्री का एल्बो हो, यहाँ पे 45 डिग्री का एल्बो हो, तो इस पूरे लेंथ में से एक 90 डिग्री का एल्बो माइनस करेंगे और एक 45 डिग्री का एल्बो सेंटर माइनस करेंगे। इसी प्रकार से हम पूरा पाइप का लेंथ निकालते हैं, पाइप का जो कट लेंथ है वो निकालते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं जी। तो दूसरी चीज़ मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उनकी मदद हो सके जो पाइप फिटर का काम सीखना चाहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।